अस्सलाम वालेकुम। सो इसमें हम कीपा को यूज करेंगे यूके की प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए। मैंने एक और वीडियो पहले भी बना चुका हूं मैं, और इसके एक या दो वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं बीएससी में। ये एक नेक्स्ट पार्ट के तौर पे इसलिए हम लेंगे कि थोड़ी सी मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, मुझे ज्यादा रिजल्ट्स मिले हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये ब्रांड आपको एक नजर आ रहा है कैमेक्स का, ये कॉफी मेकर है, और इसी तरीके से और भी काफी सारी चीजें मुझे मिली हैं कीपा का प्रोडक्ट फाइंडर, जो कि ये है। इस वक्त ये मुझे बता रहा है 141 प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये क्यों चेंज हो रही है, कैसे हो रही है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ टॉप राइट से ये यूके हुआ हुआ है इस वक्त, ठीक है, .co.uk पे चल रहा है। और हम आ जाते हैं प्रोडक्ट डेटा में, प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर मैं इस वक्त हूँ। ये मैं एडवांस फिल्टर पे इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो जो पुराने रिजल्ट हैं वो रिटेन करने हैं, जो भी चेंजेस हमने की थी। तो दो चीजें इस वक्त मैंने की है, की हुई थी स्पेशली, जो शायद पहले हम नहीं करते थे। लेकिन इससे ये होता है कि हमें स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट्स मिल जाएं जो कि हम ज्यादा, हमारे विनिंग चांसेस उस पर ज्यादा हो, ठीक है। तो पहला तो हमने जो है वो यहाँ पे रखा है, ये सेल्स रैंक है, जिसमें करंट पे मैंने 100 से 10 हजार कर दिया है। आप इसको थोड़ा सा, जैसे मैं बारहा कहता हूँ कि अपना आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और 19-20 चेंजेस करके ट्राई करें। अगर मेरा किया हुआ, जो मेरे बताए हुए रिजल्ट्स पे आपको रिजल्ट्स पूरे नहीं मिलते, तो फिर 19-20 आगे पीछे करके जरूर देखें। दूसरा है अमेजोन का जो डॉलर साइन आ रहा है, वहां पे हमने इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है, ये यानी कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो। अच्छा, एक काम आप और भी करेंगे, अगर आप ये चेक्स जो चेंजेस जब करते हैं ना, तो ये आपको कीपा क्वेरी भी दिखा देता है, मैं आपको बताता हूँ भी। अच्छा, इसी तरह से हमने फिर यहाँ न्यू थर्ड पार्टी FBA, अच्छा मैंने अब FBA वालों को भी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, यानी कि अब वो प्रोडक्ट्स भी हटा दो जिसमें ऑलरेडी FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी हटा दो, मुझे सिर्फ FBM वाले लाके दो। अच्छा जी, ये भी समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं, इसमें हमने किया बाय बॉक्स का जो प्राइस पूछ रहा है मुझसे कि बाय बॉक्स का प्राइस क्या होना चाहिए। मैंने कहा £10 से £10 से £90 तक के उठा लो, जो करंट है अभी बाय बॉक्स का। अगर कोई प्राइस है $10 से लेके 90, आप इसको भी चेंज करो। अगर आपका बजट बहुत कम है अभी इनिशियल स्टार्टिंग में और आप महंगी प्रोडक्ट्स नहीं सेल करना चाहते, तो आप इसको 90 से कम करके 40-50 पे ले आए, या जो भी आपका बजट जितना इजाजत देता है उतना कर रहे। अच्छा, फिर हम इसको इसको मजीद नीचे जाके देखते हैं। अब यहाँ पे आ गई है कैटेगरी, मैंने अभी फिलहाल के लिए होम एंड किचन सेलेक्ट कर रखा है, आप कोई भी और सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बेबी है, ऑटोमोटिव है, स्पोर्ट्स है, पेट सप्लाइज वगैरह वगैरह। अच्छा, अब और नीचे आ जाते हैं इसके अंदर, बाय बॉक्स सेलर के अंदर जो है वो हम थर्ड पार्टी नॉर्मली सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कभी कभार इससे रिजल्ट्स आगे पीछे होते हैं, लेकिन फिर हम इसको ऑल भी रहने देते हैं। तो इसको फिर आगे बढ़ाएं, एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस के अंदर बाय बॉक्स इस FBA और अनक्वालिफाइड। तो अनक्वालिफाइड में ज्यादातर वो सप्रेस लिस्टिंग्स ले आएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको ऑल पे ही चेक लगे रहने देता हूँ। एक चीज जो मैंने यहाँ पे और मॉडिफाई की थी वो थी प्रोडक्ट टाइप में वेरिएशनेशंस, यानी कि मुझे वेरिएशंस दिखाओ जिसके हैं, जो सिंगल यानी कि जो बगैर वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स हैं वो ना दिखाओ फिलहाल। मैं इसलिए भी वो वेरिएशंस ढूंढना चाह रहा था क्योंकि अक्सर और बेशतर लोग जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो वेरिएशंस बना देते हैं एडिशनल, और वो मल्टीपैक के होते हैं, तो उसमें काम करना बाज़ औक़ात हमारे लिए आसान हो जाता है, उसमें कॉम्पिटिशन नहीं होता। अच्छा, अब हमने इसको और आगे बढ़ाया, यहाँ पर रेटिंग के अंदर मैंने 3.5 कर दिया कि मिनिमम 3.5 वाली रेटिंग हो, ठीक है। और इसके अलावा अब ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर में से मैंने ये दो चेक्स हटाए थे, यानी कि फर्स्ट ये वाला चेक था अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, दूसरा चेक था अमेजोन ऑफर इज प्री प्री ऑर्डर, ये दोनों मैंने हटा दिया था, बाकी जो है मैंने चीजें अभी फिलहाल रहने दी हैं। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट में मिनिमम में मैंने 2 कर दिया, यानी कि न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ सेलर्स, कितने सेलर्स अभी बैठे हुए हुए हैं। तो हमने कह दिया जी कम से कम 2 तो हो, ताकि प्राइवेट लेबल वाली अगर कोई लिस्टिंग हो तो वो उसको भी यहाँ से हटा दे या कम कर दे चांसेस उसके। अच्छा, फिर मैं यहाँ आ गया हूँ पैकेज वेट पे, क्योंकि अगर मैं ये वेट नहीं लगाऊंगा ना, तो ये बेडरूम फर्नीचर, बेड्स, मैट्रेसेस, ये ऐसी टाइप की भी चीजें ले आएगा जो कि जो ज्यादा हैवी है, अभी मुझे नहीं करना। तो मैंने 6 पाउंड्स के तौर पे इसका मैक्सिमम वेट की कैपेसिटी लगा दी, पैकेज की भी और आइटम की भी। आप इसको भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 7 करते हैं, 8 करते हैं। अच्छा,
इसी तरह फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये नॉर्मली मैं एडल्ट प्रोडक्ट को नो कर दिया करता हूँ, बाकी चीजें ऐसे ही मैं जाने देता हूँ, और फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तब देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। अच्छा, अब हमारे पास 137 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाईली प्रॉफिटेबल पोटेंशियल प्रोडक्ट्स, प्रॉफिटेबल नहीं कहूंगा, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे सेल करने के या विनिंग प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट मैंने अभी एक और ये इसी में से निकाली हुई है कैमेक्स की, और ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे देखी, ये वाली, ये भी यूके मार्केट के अंदर ही हमने निकाली हुई है। लेकिन हुआ ये, अच्छी बात ये हुई कि देखें, इसमें अभी तो 10 सेलर बैठे हुए, 10 सेलर को हमने ओपन कर लिया, और इसमें अमेजोन का जो है वो आना जाना काफी ज्यादा हैवीली लगा हुआ है, रेटिंग्स इसकी बहुत अच्छी हैं, और इसमें ये 2 FBA सेलर मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं, बाकी सारे FBM कर रहे हैं, और 2 का 1 का 60 स्टॉक है, 1 का 24 स्टॉक है। ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि इसकी सेल्स कितनी हो रही हैं, तो इसकी सेल्स हम देख लेते हैं, जंगल स्काउट भी बता देगा, एम्स स्काउट भी बता देगा। ये जो पहली लिस्टिंग आ रही है, इसके ऊपर ही बता रहा है, तकरीबन एस्टिमेटेड सेल्स हैं इसकी मंथली 1305 यूनिट्स। ठीक है। रेवेन्यू एस्टिमेटेड है 45,000 पाउंड, जो कि ठीक ठाक हैवी इसका रेवेन्यू है। ये आपको बता रहा है कि ये इसकी एस्टिमेटेड डेली सेल्स है, यहाँ पे डेली का डेटा आपके नजर आ रहा है, तकरीबन 50-55 यूनिट से डेली सेल्स कर रहा है। अच्छा, इससे एक अच्छी बात ये पता चली कि मैंने जब ये ब्रांड को राइट क्लिक करके गूगल पे सर्च किया, तो ये गूगल पे यहाँ पे पहले ही ऊपर आ गया, ब्रांड कैमेक्स और कैमेक्स कॉफी मेकर्स एंड फिल्टर्स। फिर हमने इसकी वेबसाइट यहाँ क्लिक करके ओपन कर ली, तो ये इसकी वेबसाइट है। ठीक हो गया। अब ये वेबसाइट में जब मैं यहाँ नीचे आता हूँ, तो ये मुझे एड्रेस दिखा रहा है मैसाचुसेट्स का, मैसाचुसेट्स यूएसए में है, इसका मतलब ये ब्रांड यूएस का है। फोन नंबर भी आ रहा है, ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, तो ये यूएस का ब्रांड है और यूके अमेजोन पे ठीक ठाक सेल्स कर रहा है। तो आपको अगर ये यूएस में सेल करने के लिए मना करता भी है, यूएस में इसका मतलब ये ज्यादा बेहतर कर रहा होगा, लेकिन ठीक है, अभी हम यूएस में नहीं, आप चूंकि मैं आपकी तरफ से देखूं कि अगर आप अमेजोन सेलर हैं और आपके पास यूके का ही एक्टिव अकाउंट है जिसमें आप सेल करना चाह रहे हैं यूके बिजनेस के तौर पर, तो आप इसको उसी लिए कंसिडर करेंगे, राइट? अब आप इसको जर्मनी में भी कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे मैं वो भी देख लेते हैं हम। आप जब कीपा में यहाँ नीचे आते हैं, तो ये आपको दिखाता है, ये यूरोप में है, ये नीचे सारे फ्लैग्स आ रहे हैं, जैसे ये हम जर्मनी का फ्लैग प्रेस करेंगे तो ये amazon.de पे चला जाएगा, और यहाँ पर भी ये हमें दिखा देगा, देखें इतने सारे इसके पास रिव्यूज और रेटिंग्स यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये यहाँ भी ठीक ठाक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अमेजोन का यहाँ भी पूरी तरीके से आना जाना लगा हुआ है। तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी पोटेंशियल प्रोडक्ट है। अगर आपको लगता है कि आप यूके में भी किसी वजह से वो ब्रांड आपको अलाउ नहीं करता सेल करना, तो आप जर्मनी में आएंगे, जर्मनी में सेल कर लें इसको, जर्मनी में भी सेल हो रहा है अच्छा खासा, और 8 यहाँ पे भी ऑफर्स लगी हुई हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं ओपन करके। तो ये हमें बता रहा है ज्यादातर, एक ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन ये वाला है, बस एक ही बैठा है प्राइम सेलर, बाकी सारे जो है इसमें नॉन प्राइम है। तो ये बहुत अच्छी, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, इससे आपने अकाउंट बनाना है इस ब्रांड से, और आपने जर्मनी में और यूके में सेल करना है, अगर आपके पास स्पेन, आप सभी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारे कंट्रीज आ रहे हैं, अगर आपको किसी और कंट्री में चेक करना है तो आप वहां भी, ये एशिया है और मेरे ख्याल से सिंगापुर है, शायद जापान है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सेल हो रहा, ये कौन पड़ेगा जापानीज लैंग्वेज, खैर इस तरीके से इसके अंदर सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाती है। मेन पर्पस ये था कि प्रोडक्ट्स को ढूंढना, अभी मैंने एक कैटेगरी करी और 137 रिजल्ट्स मुझे मिले। अब हम एडवांस फिल्टर में चले जाते हैं दोबारा, और मैं एक चेंज और करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे ये नंबर्स जो है वो काफी चेंज हो जाएंगे। अब ये वेरिएशन ऐसे था, अब मैंने सेलेक्ट कर दिया फिजिकल प्रोडक्ट विदाउट वेरिएशंस। ठीक है। और ये क्वेरी अब हम दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्या चीजें आ रही है आपके पास, 33 रिजल्ट्स बता रहा है, ये वो चीजें लेकर आ रहा है जिसके वेरिएशंस नहीं है, और स्ट्रिक्ट फिल्टर्स के साथ मैं इसको चला रहा हूँ अभी, और ये 100 से इसको चाहे तो कम कर दें करंट को, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अच्छा, FBA वाले अगर उठाने हैं आपको, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, FBA वाले आ जाते हैं इसमें, और चूंकि हमने वहां पे कंडीशन लगा रखी है, वेरिएशंस वाली हटा दी थी, हम दोबारा चले जाते हैं वेरिएशंस लगा देते हैं, ये रहा वेरिएशंस।
अब ये 2,300 प्रोडक्ट्स ये कह रहा है कि इसके सामने मौजूद हैं जो कि हमें ऐसी मिल सकती हैं जिसमें वेरिएशंस भी हैं और FBS सेलर्स भी बैठे हुए हैं, सबके अंदर मिनिमम दो तो आ ही रहे हैं। ये देखें इसके अंदर 10 हैं, ये वही ये कैबेक्स जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये अच्छा ग्राफ भी मुझे यही दिखा देता है तो इससे भी काफी आसानी हो जाती है। इसमें चार सेलर हैं, ये सिस्टम मैंने ये भी प्रोडक्ट खोल रखा है, ये वाला है, ये हम सेल कर सकते हैं। इन इनको ढूंढना आसान है, इनको प्रोडक्ट्स को। ये यूके की मार्केट का था। आप चाहें तो मैं तो अभी भी होम एंड किचन की कैटेगरी में चल रहा हूं, आप और कैटेगरीज ट्राई करें, बेबी है, ये नंबर्स आपके चेंज होने। 2,300 प्रोडक्ट्स हैं, इसको एक्सपोर्ट करके अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप वो शख्स नहीं है जो खुद से बैठ के प्रोडक्ट्स को एक एक को मैच करनी है, ढूंढनी है, तो इसको एक्सपोर्ट करें, अपने VA को दे दें, अपने किसी बच्चे को दे देंगे जी, इस तरह जिसने ऑफकोर्स जिसको पता हो पहले से उसको दें, उसको बताएं कि जी इसके अंदर से प्रोडक्ट्स निकालो, वो वाली पोटेंशियल जो के जिससे हम कांटेक्ट करेंगे, जिससे ब्रांड्स निकालेंगे। तो मैंने तो अभी ये मैंने जो इवन के वीडियो खोल बनाने से पहले मैंने ये ब्रांड निकाला था, शायद 5 मिनट पहले ही निकाला था, तभी मुझे ऐसा लगा कि हमें ये इसकी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कितना आसानी से निकल आया, दो प्रोडक्ट्स मेरे सामने 5 या 7 मिनट के अंदर निकल आई है। तो ये एक तरीका है जिससे आप कीपा से ये प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कीपा जैसे मैं बारहा कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीपा का होना बहुत जरूरी है, पेड टूल जरूर है और इतना महंगा नहीं है, तो इसे जरूर इस्तेमाल करें और इसी से आपको सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।